नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेट्स एंड डेकोरेट। 10:05 हो गए हैं और मेरा लंच भी रेडी है। ये है मूंग की दाल और नीचे है चावल और चने की सब्जी। यहाँ पे मिलता है छोटा चना सफ़ेद कलर की, उसी का चना और आलू का सब्जी है ये। जल्दी बन गया है मेरा लंच क्योंकि मुझे कहीं जाना है। आज संडे भी है, छुट्टी भी है, तो सोचा कहीं घूम के आ जाते हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो अगर आप भी बोर हो रहे हैं घर में बैठे बैठे, तो चलिए मेरे साथ कहीं घूम के आ जाएंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास में ही जाके आ जाएंगे। आते ही घर में लंच करेंगे, इसीलिए मैं लंच बना के जा रही हूँ। और ये जो ब्रिज है, यहाँ पे अक्सर जाम लगा रहता है क्योंकि यहाँ से हेवी व्हीकल्स, ट्रक वगैरह यहाँ से गुजरते हैं, तो जाम कर देते हैं वो रास्ते को। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, और वो जो दूर आपको ब्रिज दिख रहा है ना, वो है बाईपास ब्रिज। जब वो रेडी हो जाएगा तो ये ट्रक जितना भी है ये सारे उधर से जाएंगे, तो और जाम नहीं होगा ब्रिज। इसीलिए कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता है क्योंकि जाम में अगर फंस गए इस ब्रिज के ऊपर, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है, तो इससे तो बेटर है घर में ही बैठे रहो। तो अभी तो निकल गए हैं हम लोग, जाम में नहीं फंसे, आराम से निकल गए। ये देखिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है और हम जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं। 15 से 17 किलोमीटर होगा घर से दूर, 15 किलोमीटर शायद होगा, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो जहां हम जा रहे हैं वहां पे एक डैम है, उसका नाम है मंदिरा डैम। मंदिरा डैम है राजगांवपुर में। हम लोग निकले हैं राउरकेला से, तो मंदिरा डैम जो है वहां पे खाली डैम है और एक पिकनिक स्पॉट है। वो दिसंबर और जनवरी में बहुत भीड़ होती है वहां पे पिकनिक के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूम घाम के आ जाएंगे, फिर 2-2.5 घंटे के अंदर फिर से वापस आ जाएंगे। और मंदिरा डैम जो है वो है फेमस है इसीलिए क्योंकि 1977 में शायद एक पिक्चर का शूटिंग हुआ था, सफ़ेद हाथी, हिंदी पिक्चर सफ़ेद हाथी, वहाँ पे शूटिंग हुआ था। बच्चों का पिक्चर है वो, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था और बहुत बढ़िया पिक्चर है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखें और बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि एक सफ़ेद हाथी था जंगल में, और जंगल में जो गांव होते हैं वहाँ पे एक बच्चा था और बच्चे के साथ हाथी का दोस्ती हो गया, और हाथी और बच्चा का जो केमिस्ट्री है वहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है वो, आप ज़रूर देखें उसको। हम लोग जा रहे हैं, पहले पहले तो बहुत भीड़ होती थी यहाँ पे जब शूटिंग हुआ था। यहाँ तो ऐसे भी शूटिंग नहीं होता है पिक्चर वगैरह, लेकिन जब हुआ था तभी बहुत भीड़ होती थी, बहुत सारे लोग आते थे देखने के लिए। अभी तो इतना साल हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। कहते हैं वहाँ पे हाथी रहते हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डैम है, तो पानी भी अभी भर गया है वहाँ पे जहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो हम लोग तो शूटिंग स्पॉट में नहीं जा पाए, लेकिन डैम के ऊपर से घूम घाम के आ गए। आप लोग वो पिक्चर जरूर देखें, सफ़ेद हाथी। और देखिए हम लोग नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं, बस और 5-10 मिनट के रास्ता है, पहुँच जाएंगे अभी। और वहाँ पे जो ना बिल्कुल भी छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस देखती ही रहूँ। ये देखिए हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं मंदिरा डैम में। अभी तो कोरोना की वजह से खाली है, इतना भीड़ भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा धूप था और बहुत ज़्यादा गर्मी। ये देखिए 5-7 दिन से बहुत बारिश हो रहा था, तो इसीलिए पानी का कलर देख सकते हैं आप बहुत ही। और 4-5 गेट इन्होंने खोल दिया है। बस मन कर रहा था कि यहाँ पे खड़े होके पानी को देखता रहूँ, जो पानी जा रहा है उसका साउंड बहुत ही बढ़िया लग रहा था पूरा, मतलब मन खुश हो गया। छोटा सा डैम है, ज़्यादा बड़ा डैम भी नहीं है। ये देखिए डैम के ऊपर से ये रास्ता है।
वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बस 1 या 1.5 घंटा हम वहाँ पे आसपास ही घूमते रहे। ये देखिए कितना हरियाली जंगल है। और अभी हो गया है लंच टाइम, तो घर तो वापस जाना पड़ेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हो गया, चलिए फिर चलते हैं घर। घर जाके फिर लंच करना होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।